ज्यादा मेहनत की है। इंतजार करती हूँ यार, मेहनत करके इंतजार करती हूँ। तुमने उन्हीं से मोटर ताजा करवाया था ना, पहले वाले से आ गया, नए वाले से आ गया। ए ए यार, देख तेरे पीछे वो भी चला गया, बच्चे नहीं चले तू। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे, अपना बहुत अच्छा वाला ख्याल भी रख रहे होंगे। और आज जैसे आपने थंबनेल और टाइटल देख ही लिया है, तो जी हाँ, मैं आप लोग को बता दूं कि ना, जिस दिन मेरा यूट्यूब का जो होता है ना कि यूट्यूब का पेमेंट आना, उस दिन मैं बहुत खुश होती हूँ सच में, कि वो महीने भर की मेरी मेहनत होती है। और ब्लॉग बनाना कोई आसान नहीं होता है। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि जैसा ये बना रही है वैसा हम भी कर सकते हैं, हम भी बना सकते हैं। सोचने में करने में सच में बहुत फ़र्क होता है। साथ में आपको पता है, मैं अपने बच्चे मैनेज करती हूँ कैसे भी करके, मेरे साथ कोई करने वाला नहीं है, हर दर्द में रह के भी ब्लॉग बनाती हूँ ना। उसके बाद क्या हुआ ना, आप लोग वीडियो में ही आगे खुद ही देख लीजिएगा। मैं अच्छा काम वाम सब कर रही थी और ये सोचा था चलो आज यूट्यूब का पेमेंट आना है, भगवान जी के भी दर्शन हम कर लेंगे, ऐसा करके मेरे मन में विचार आए। पर कहते हैं ना कि अगर आपके साथ बुरा होना है ना, आप लाख कोशिश कर लें कि अच्छा होगा, हम अच्छी बातें करें, पॉजिटिव सोचें। अभी आपने देखा ही होगा कि मैं सारी चीज़ें ना कुछ ऐसी मेरे दिन में आ भी रही थी, मन में आ रही है स्टोन को ले, किसी को भी लेके, तो मैं कोई भी नेगेटिव चीज़ नहीं सोच रही हूँ। आप लोगों ने भी बोला अगर आप पॉजिटिव चीज़ दिखाओगे, पॉजिटिव सोचोगे, तो आपकी लाइफ में, आपकी ज़िंदगी में वही रूल्स चलेंगे। तो यही चीज़ है। पर उसके बाद ना, कहते हैं ना, ज़रूरी नहीं कि जैसा हम चाहें, जैसा हम सोचें वैसा ही हो, बिल्कुल भी नहीं होता है ऐसा। अभी आप एक आगे का वीडियो देखिए। मैं आप लोग को अभी बता दूं, अच्छा अभी दोपहर का, सुबह का टाइम हो रहा था और बस मैं अपने काम कर रही थी। फिर मुझे ये था कि जैसे मेल आ जाता है ना हमें कि हाँ इतने दिन पेमेंट आ जाएगी इतनी तारीख को, तो ठीक है, बस मैं चेक करने जा ही रही थी कि हाँ पेमेंट का मेल आ गया है। उसके बाद ना फिर मैंने एक बार चेक करने की, एक बार नहीं आया, मतलब शाम टाइम बहुत कम ही मैसेज आता है, सुबह को ही आ जाता है। एवरीवन, गुड मॉर्निंग। और मैंने सोचा था ना कि मैं कभी भी ऐसे ऐसे ब्लॉग नहीं बनाऊंगी, मैं कुछ भी करके मेहनत करके कर रही थी। और देखिए मैंने ना आटा लगा रखा है, और जैसे कि मैं आप लोग को बता दूं, 22 तारीख का मेरी सैलरी आती थी, मेरी जो सैलरी बनी थी वो 200 या $300 की बननी थी, पर यहाँ पे मुझे सिर्फ $100 का आया है। मुझे इतना वो लग रहा है कि कहाँ गया, कैसे गया, ये भी मुझे नहीं पता, मुझसे क्या गलती हुई ये भी मुझे नहीं पता। एक रहता है ना कि इस महीने ये सैलरी आनी है, इतनी आनी है, सोचिए अभी मैं कैसे करूँगी मुझे नहीं पता। हालांकि एक टेक्निकल भैया है, उनको मैंने बताया है चैनल, देखते हैं जो होता है। पर अभी इस करंट की जो स्थिति है, उसका 100 आया है, अब उसमें मैं क्या क्या मैनेज करूँगी मुझे नहीं पता। बहुत अपने आप को कंट्रोल किया कि मैं क्या करूँ क्या नहीं करूँ, क्योंकि यार जब मेहनत की कमाई होती है ना, और वो ऐसे चले जाए या ना आए, तो उसका बहुत अफसोस होता है। इतने अच्छे से अभी मतलब जब 21-22 तारीख का ना, मुझे बहुत बेसब्री से इंतजार रहता है कि हाँ मैं ये करूँगी वो करूँगी, मेरा सैलरी आएगा। एकदम से ना मुझे मैसेज आया, घबराहट भी हो रही है कि क्या होगा कैसे होगा, ये फिर मैंने अपने इसमें क्या गलती की। क्योंकि देखिए मेरे को ना नहीं पता, मेरे चैनल में उतना डॉलर तो दिखाई दे रहा है, क्या इतने की आनी थी और हमेशा आई है, पर ये इस बार क्या हुआ मुझे नहीं पता। मैं बिल्कुल भी ऐसे ब्लॉग नहीं बनाना चाहती थी, बस जो है मैंने सोचा था, पर ये ना कभी मैं खुशी होकर ब्लॉग ना बना ही नहीं पाती हूँ। मैं वो टेक्निकल भैया का ही मैसेज आ रहा, मैं बात कर लूँ उसके बाद मिलती।
और अभी ये भी जस्ट आए हैं। मैं बोल रही हूँ टीवी मत दियो कि सुनो, ये भी अभी बस ऑटो ही करके आए हैं कि मैं जा रहा हूँ। कहना चाहिए ना जब परेशानी आती, मैंने इनको फोन में बताया कि मुझे नहीं पता, चेक करके आओ, पर एटीएम में सिर्फ $100 का ही है। मुझे ये इन सब के बारे में कुछ भी नहीं पता, बताओ ना क्या क्या हुआ होगा। मैं 4 साल से ब्लॉग बना रही, कभी मेरे साथ नहीं हुआ, कभी नहीं। मैंने बेईमानी से कमाए हैं यार, मेहनत की है, एक एक ब्लॉग में मेहनत की है। एक एक वीडियो कैसे जमाती हूँ मैं जानती हूँ, दिन रात करके उसका कुछ भी नहीं आया। मतलब बहुत दर्द हो रहा है, बहुत बहुत बेचैनी भी हो रही है साथ में कि मैं क्या करूँगी, कैसे करूँगी, और ये मेरे साथ क्यों हुआ ये भी नहीं पता। छोड़ो। आज तक की डेट में मेरे साथ कभी ऐसा नहीं हुआ, कभी भी नहीं हुआ। टेक्निकल भैया को लगाया है, देखते हैं क्या करते हैं क्या नहीं करते। पर महीने भर इंतजार करती हूँ यार, मेहनत करके इंतजार करती हूँ। तुमने उन्हीं से मॉडल पहले करवाया था ना, पहले वाले से आ गए, नए वाले से आ गए। सिर्फ यहाँ हो, सिर्फ 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 यार, देख तेरे पीछे मुझे चला गया, बच्चे नहीं चले तुम। जब से मैंने मैसेज देखा ना, मेरे को इतना वो लग रहा है कि यार इस महीने ये था ना कि खुश भी थी कि चलो कुछ ना कुछ करूंगी, हालांकि सिर्फ एक पछतावा हो रहा है। और वो टेक्निकल वाले भैया भी कुछ कर दिए तो ठीक है, मैं दवाइयों को कैसे करूंगी, सारी चीजों को कैसे करूं। थोड़ा सा मैं बात कर लूं उनसे और शांत हो जाऊं, उसके बाद आया उन्हीं का फोन आ रहा। चलो लो उठो उठो जी, दूध पियो, उठो लो उठो। आरती नहीं नहीं जी, दूध पियो लो। चलो जो भी रो नहीं, जो टेंशन नहीं लो, जो भी होगा है ना, अब कल देखी जाएगी। अब बात तो की है, वो बताएगा ना कल अपने को क्या कैसा है ना। तो आपको हम बता दें कि देखिए बहुत ही ज़्यादा क्या होता है, उस आरती का बुरा हाल है, बहुत ज़्यादा रो रही थी, क्योंकि आपको पता है कि हमारी मेहनत की कमाई है ना। वही मैं इसको बोल रहा था कि हो जाएगा, देखते हैं क्या कैसा। अब हमने टेक्निकल दीदी से बात की थी, अब वो देखते हैं क्या बोलते क्या नहीं है ना। बोल रहे थे कि हम पूरा और चेक करके यूट्यूब से बात करके हम बताएंगे, अब हमको तो इतना ज़्यादा है नहीं नॉलेज। तो बस यहाँ पे सो गए बच्चे लोग, सो गए हैं यहाँ पे, देव सो गया, सिर्फ यहाँ पे सो रहा था। मैंने खाना नहीं खाया आरती, तो मैंने बोला कि चलो दूध लेके आया हूँ, इसमें गुड़ डाल देता हूँ, मैं गुड़ और हल्दी डाल देता हूँ, तो वही देता हूँ यहाँ पे है ना। और ठंड बहुत ज़्यादा है, सिर मैं आपको बता दे रहा हूँ, मेरा भी काफ़ी ज़्यादा सिर दर्द दे रहा है शीत के कारण, क्योंकि सुबह सुबह जल्दी उठ के मुझे भी काम करना पड़ता है, तो मुझे भी शीत चढ़ गई। चलो उठो लो दूध लो, अरे पियो लो, अब ठीक हो जाएगा, कुछ नहीं बोलो, जल्दी ले लो।
अच्छा तो यहाँ पे अभी 10:30-11 बज रहे थे, टेक्निकल सर से बात किया है, बोले यूट्यूब में तुम्हारा पता नहीं क्या प्रॉब्लम चल रहा है। तो अभी ना मैं आप लोग को बता दूँ इतना कैसे आया डॉलर, इतना कैसे कटा मुझे नहीं पता, और मैं कैसे मैनेज करूँगी इनके दवाइयों का सब कुछ कैसे मैनेज करूँगी, मुझको बिल्कुल भी कुछ भी नहीं पता। और ये बोल रहे थे आरती ज़्यादा परेशान नहीं हो, ज़्यादा नहीं रो, जो होगा वो देखी जाएगी, रोने से कुछ भी नहीं होगा। मैंने कहा रो नहीं रही हूँ मैं, मुझे बस तकलीफ़ ये हो रही है कि यार मैंने मेहनत से कमाया है, उसके बाद कहाँ चला गया, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। तो वो एक बारी ना कल सुबह अच्छे से देखेंगे टेक्निकल जो सर हैं, मैं उनको मतलब कि सारी बातें के करके बताऊंगी। और आप लोग कुछ जानते हो ब्लॉग के बारे में तो बताइएगा, ऐसा कुछ आपके साथ हुआ है या नहीं हुआ है, या होता है कि नहीं होता है, मुझे तो कुछ भी नहीं पता ऐसा। तो बस इन्होंने बोला कि आरती कुछ खाई पी नहीं है तो दूध पी ले, इससे ये होगा कि थोड़ा बहुत ताकत रहेगी। मैंने कहा मेरे कुछ खाने पीने का मन ही नहीं है, मतलब कि एकदम से कहते हैं ना जिस चीज़ के लिए आप बहुत सारे सपने देख रहे हैं, खुश हो रहे हैं। मैंने आप लोग को बताया था मैंने कुछ अच्छा भी सोचा था, मेरा सपना ही पूरा होने वाला है, तो मैंने कुछ सोचा था कि मैं ये चीज़ लूँगी जब मेरा पेमेंट आ जाएगा, पर वो एक पल में ही टूट गए। देखो उठा दिया इसको, कह रहा है स्कूल जा, कहाँ जा, क्या चुप, बप कर दो, बप बप कुछ बोलो, जाओ स्कूल जाओ, बोलो जाओ। अच्छा सुनो तो, सुनो तो, भैया को पा कर दो, भैया को पा कर दो, भैया को पा नहीं करना, भैया स्कूल नहीं जा रहा आज, सुनो तो शिब्बू, भैया स्कूल नहीं जा रहा, इधर देखो भैया राम जी की, स्कूल जाओ, स्कूल जाओ। किसने कहा, किसने कहा, तो किसने बोला, मैडम ने तो बोली कि देव को स्कूल भेजो जल्दी। मैं नहीं पूछ रही शिव, देखो भैया स्कूल नहीं जा रहा, भैया स्कूल नहीं जा रहा, बोलो स्कूल जाओ, नहीं भेजना भैया को स्कूल। क्या कर रहा है, देखो टोपा नहीं लगा रहा, मोजा पहना दे,